अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है ईद का दिन और मैं हो गया हूँ नमाज के लिए रेडी। हम निकल गए हैं नमाज के लिए। मैं आ गया हूँ घर, चले देखते हैं कि सबा क्या कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आ जाओ, ईद मुबारक। फ्रेंड अभी हम लोग आए थे पंप में अपनी गाड़ी में तेल डलवाने के लिए। कब तैयार होगी भाई? कब भाई? हमारे ये भी हमको फॉलो कर रहे हैं और ये भी हमको देखेंगे अब यूट्यूब में हमें, है ना। तो भाई ईद की खुशी में इनका तो बनता है ना, इनके को मिठाई खिलाने के लिए कुछ। भाई एक मिठाई खा लेना, आज ईद है ना। चलो आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मिठाई खाओ और हमारे लिए दुआ भी करो। लो अपने हाथ से दे दो तुम वहाँ से। लो जाता समझ में आता है सर। ईद मुबारक, मिठाई खा लो। थैंक यू सो मच। चलो भाई, ओके भाई। साई सर्विस सेंटर मेरा भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो बोल रहे लाइक भी कर लिया। ईद दिला दी। ईद मुबारक आपको भी। कल नहीं किया था आपने? मैं किया था, अम्मा से पूछ, सबको बोल दिया था। अच्छा, खाना क्या खाया? कार्यामो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हाँ बेटा, आपको भी, सबको। पहले बोल दिया था अम्मा से, सब बच्चों को, सबको ईद मुबारक। ठीक है ठीक है। ईद की शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, अभी तक तैयार ही नहीं हुए। तुम लोग भी हो जाओ तैयार जाके। हाँ, विचार के लिए फिर जा रहे हैं। रिजा रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ। जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। आप सबको, मतलब हमारी पूरी YouTube फैमिली को, आप हमें जहाँ भी दुनिया के जिस कोने से भी देखते हैं, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। ब्लॉग जो हमारा शाम को शुरू हुआ, आपने चांदा ब्लॉग में देखा होगा, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी वजह से इतना सब सैड माहौल है। सनी भी एकदम ऐसी हालत में भी मैं आपको दिखाती हूँ, उसने भी सुबह से बस नमाज के बाद कपड़े चेंज कर लिए थे, बैठा हुआ है। मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से इसकी भी ईद ऐसी जा रही है, तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो अभी एकदम से रेडी हो जाते हैं। और रेडी हो रहे हैं अगर ईद पे, तो चूड़ियों के बिना तो अधूरा है जो सनी ने दिलवाई थी। अभी मैंने सिंपल वाला सूट ही पहना है, अब देखते हैं रात तक दोबारा चेंज करते हैं कि नहीं करते, नहीं तो फिर यही ठीक है। वैसे मुझे चूड़ी पहनने के बाद ईद मुबारक कहना चाहिए था, ठीक है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक मैं सिंपल आउटफिट पहनूंगी और दूसरा वैसा, तो ये सुबह वाला आउटफिट हो गया जो कि शाम को पहना है, लेकिन ये भी लॉन वाला है और मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम शौहर जी। सलाम, ऐसे मत दिखाओ, पता है दिन भर मैंने ना इतना काम किया, उसके बाद मैं सोया हूँ और रात में मैं सोया भी नहीं था, इसलिए मुझे और नहीं। तो आप अब रेडी तो हो जाओ। सुबह तो रेडी हो गया, क्या रेडी हो गया? नहीं, कैसी हालत हो रही है, सो सॉरी, मैं आपको कितना परेशान कर रही हूँ। थक गया ना भाई, बहुत तेज नींद आ रही थी इसलिए ऐसा हो गया है। सनी की पहली ईद थी मुंबई में, लेकिन पता नहीं इत्तेफाक से ऐसा क्यों हुआ कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मेरी सारी वो एक्साइटमेंट खत्म। ये बताओ घर में भी हो जाए, क्या कर रहे हो? तो कुर्बानी बस हो गया, फिर भी आप मेरे लिए वहाँ कितना कुछ करते हो? यानी कि अगर तुम्हारे लिए मैंने कुछ नहीं, आप तो करते हो। फिर कोई बात नहीं, ईद ऐसी होती, तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारी तबीयत ठीक होना चाहिए। जब तबीयत ठीक होगी तो ईद तो हर साल इंशाल्लाह आती है, मनाते बाद में हमारी अच्छी हो गई, तुम रेडी हो गई। तो मैंने अपने फेवरेट फ्लावर्स मंगा लिए क्योंकि इससे घर पूरा महकता है। काफी दिनों बाद मैंने लिलीज मंगाए, अब इनकी डंडी बड़ी है तो मैं इनको कट करूंगी और फिर इसमें पानी में डाल के लगूंगी ताकि तीन चार दिन चल जाए। ऐसे रख दूं, खुशबू आएगी पूरे घर पे। कचरा हो गया, पहले ये तो साफ कर लूं। ईदी तो लाओ। इस वाली ईद में ईदी नहीं मिला करती है। कल मैंने पापा से जब ईदी मांगी थी, हाँ, तो पापा कहते बेटा इस वाली ईद में ईदी नहीं मिला करती है, इसलिए तुमसे पहले ही बोल दिया। भाई भैया एकदम अच्छे से सजाना। अस्सलाम वालेकुम। ये नया सूट ही है, वो चमक वाला लिया था ना, एक वो हैवी वाला। मैंने भी यही पहन लिया। क्यों? पर वो थोड़ा चमक का पहनो, हम लोग इतना तो इतनी अच्छी लग रही हो। मैं भी बहुत प्यारी, आप भी तो अच्छी लग रही हो। हम लोगों ने डेकोरेशन करा फ्लावर वाला, कुर्सी उसी तरह लगाई जैसे पूरा मोहल्ला पुराने वाला तुम्हारे यहाँ दावत में की। पहले कुछ लोग कुर्सी बैठे, कुछ लोग यहाँ बैठेंगे। अब कोई नहीं आया तो क्या हुआ? क्या हमें अपने आएंगे ना, मेरे दोस्त लोग आएंगे। तो रिंग देखी आपने इसकी? कोहिनूर पहने हैं ये। ये कोहिनूर नहीं देखा ये देखे। हमेशा की तरह अपना रिचुअल फॉलो करते हुए ऊपर तैयार होने के लिए आ गई है। रिजा जब मैं नहीं थी ईद में, जब मैं ईद में नहीं थी, तुमने मुझे मिस किया था बहुत, क्योंकि उस दिन हम लोग सो ही रहे थे पूरा दिन, कुछ नहीं था घर। आज भी सब कोई सोए हैं, पूरा घर सोता रहा है। अभी पर इतना वो नहीं लगा क्योंकि ऊपर रहे हम लोग ज्यादा, लेकिन ईद का असली मजा, फिर से कह रहा हूँ, ईद में नहीं है, ईद का असली मजा और त्योहारों का असली मजा बता रहा हूँ, गांव में ही है। मुझे सही बता रहा हूँ, वो कह रही है खाने में और मैं कहने वाली थी सोने में। नहीं, सोने में नहीं। गांव में क्या होता है ना, छोटी जगह होती है और लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, घरों में जाते हैं, यहाँ थोड़ा सा लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे सुना मन लगता है। तुम कहाँ गई? कहाँ गई? मुझे तो गाँव में भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ अच्छा लगता है? यहाँ अच्छा लगता है, तुम यही रहो।
तुम यही गीत गिया करो सारे लोग अध्याय गीत कर रहे हैं मौजा है, जब बीत पड़ेगी इंशाल्लाह। ये मेरी आखिरी ईद होगी रेजा मुंबई में। बात बात है कि अगर आखिरी आखिरी नहीं बोला करो चीज में आखिरी होगी आखिरी होगी। मैंने बोला मुंबई में ऐसे बात बोला करो तुम आखिरी होगी आखिरी होगी। अगर ये आखिरी हो जाएगी तो फिर तो हो जाएगी तेरी आखिरी। कल से हो गया सर आखिरी होगी आखिरी होगी। मेरे जैसा मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा छुला के बोले जाओ मिला लो। हाँ कौन सी मैच करेगी। खाना नहीं बना है अभी है? खाना नहीं बना हुआ अभी खूब खुश रहा है, खूब अच्छा प्यार से बेटा ने ले ली। अरे ईद मुबारक। सबके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, सबको ईद मुबारक। इतना सारा खाना खाने वाले इतने कम खाने का दिन में खाएंगे नहीं पहली। सही लग रही। नाइस नाइस नाइस। मैं तुम भी लगा लो मैं लगा दो। इसमें किसी को दुश्मनी निकालना हो तो वो बाद में दुश्मनी निकाल लेना। ये बहुत ड्राई है। पहले कुछ लिप बाम लगा लेती हमने तुम्हें दिलाया था ना। अच्छा वो चमचम निकाल रहा है। देखिए पूरे फेस। कोई बात नहीं चमचम करता तो अच्छा लगता है। हर कोई चमकना चाहता है। यार ये बिरयानी ओ सॉरी मुझे लगा बिरयानी दिखा रहे हो। बहुत अच्छी ये आ गई। फ्रेंड्स अभी सब लोग बैठे हैं बातें कर रहे हैं। बस ऐसी ही हमारी अपनी अपनी लाइफ की क्या बोलते हैं बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ अपने किस्से छेड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुख दुख की बातें कर रहा है। तो बस यही है ईद अपनों से मिलना और बातें करना। मेहमानों की खाना खिलाने की तैयारी शुरू हो गई है यहाँ पे। तो स्वीट मंगा लिए थोड़ा रख देते हैं बाहर ताकि बच्चे लोग खाते रहे। त्योहार पे मीठा अच्छा लगता है। चमचम 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 का नाम तो बहुत सुना है। चमचम सबसे ज्यादा मीठा किसको पसंद है बेटी खा लो। आज तो मैं खा रही हूँ। सबको पसंद है मीठा खा लो। और ईद के दिन तो सब कुछ खाना चाहिए। ये मलाई पेड़ा सबसे अच्छा है। ये कहाँ बांधू है। थैंक यू सो मच। एक एक बनवा लिए। थैंक यू एक बनवा लिए ना। आके आके वो सफेद झूठी मिला के ये कम मीठी है गुजिया खा के देखो। पन्नी से नहीं पन्नी नहीं है वो खालू। आप लो मीठा बहुत अच्छी लग रही है। सूट से पूरी मैच कर रही है जूती। ये जूती कब की भेजी थी। देखो कढ़ाई है ना मैकअप नहीं किया वो चमक ना डाला है बस। अच्छा वो स्प्रे हाँ वो डाला है वो लाल डाला अस्सलाम वालेकुम सबको छोटे बड़ों का मेरे प्यार भरा सलाम सबको ईद मुबारक। अल्लाह सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। जो सारे YouTube वाले देख रहे हैं आपको बहुत प्यार करते हैं तो आप उनको दुआ दे दो ईद के। सारे जो गया खाते YouTube वाले अल्लाह उनको प्यार है अल्लाह उनको। अभी खा लो बोलेंगे खा के। अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम सबको ईद मुबारक। ये टाइम का मुझे दिन भर से इंतजार था क्योंकि मुझे जाना है बाहर और सनी के लिए सरप्राइज प्लान करना। मैंने बहाने से उनसे कार्ड ले लिया ये बोल के कि मुझे ना मार्केट पॉइंट से कुछ कुछ सामान लेना है या हम घर वालों के साथ ईदी चैलेंज करने वाले हैं उसका सामान लेना है। तो बस अभी मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि अभी सब लोग हैं नहीं है और मैं अपना काम जो भी करूंगी आपको बताती हुई जाऊंगी। आप लोग चलो मेरे साथ। उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैंने सोचा है वो मैं कर लूँ। मैंने सरप्राइज जो है वो ले लिया है और यहाँ से सरप्राइज के लिए केक भी ले लिया है। थैंक यू फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं घर। तो अभी तो भाई के यहाँ जाना है। चाओ चाओ नेपाल के चाओ चाओ आ गए। थैंक यू देख
सभी खुश हो जाएगा। एक दिन बोल रहा था बोला चाव सभी ट्राई करके। रूहान आ गया अपनी बुआ के यहाँ। वो ये कह रहा है कि बुआ तुमने ईदी तो दी रही है हमें। ईदी नहीं मिली। पप्पा के पास पैसे तो बहुत कम है। ये लो पप्पा के पास पैसे। ये लो वो बलून देख रहे हैं। आपने ना शाम को कपड़े बदले। आज तो बड़ा रेड रेड बलून फुला रही है। क्या स्कीम चल रही है तुम दोनों की? ईद बहुत सिंपल लग रही है बच्चों को, तो चाह रहे थे कुछ थोड़ा सा। ये ईदी वाला गेम एक बार जब भाई ने खिलाया था तो मैं 20 रुपए जीती। 10 रुपए। सबको अंदर भेज दिया है ताकि कोई देख ना ले। सब पूरा रेडी करके सेटअप करके आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेटअप हो चुका है और आपके लिए नेपाल से स्पेशल चाऊ चाऊ है। कौन लाया है? देव भैया। अरे वाह, थैंक यू देव भैया, थैंक यू। कह रहे थे आपने एक बार बोला था चाऊ चाऊ। हाँ हाँ, लेके आए। इन गुब्बारों के पीछे है ईदी। ठीक है, आप किसकी किस्मत कितनी है वो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसका मुझे डर लगता है। नहीं नहीं, डर नहीं लगता है। ईदी नहीं मिलेगी फिर, आप सोच लो। देखो ये भी किसी कम किसी के ज्यादा, तो किसी को हताश नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि किस्मत का काम है जिसका। बकरीद में तो वैसे भी बकरीद ही नहीं मिलती। हाँ। मैं लास्ट में जाऊंगी एकदम। मैं जाऊंगा सेकंड लास्ट। आपसी सहमति नहीं हो पा रही थी इसीलिए सबको अलग अलग नंबर देंगे। रेहान पहले से नहीं देख सकते। नहीं नहीं नहीं, देख रहा है, देख रहा है। रेहान की, रेहान की। आप नंबर नंबर किस्मत किस्मत देखो जो पहले नंबर टू। ठीक है, तुम जाओगी? नहीं, सबसे देख किस्मत वाली ये ले गई, आखिरी फोड़ेगी। कहीं कोई पहली निकल गया लेके। हाँ, तो ये वही ना हमारा पहला छोटा कंटेस्टेंट यहाँ पे खड़ा है। ऑल द बेस्ट मैम, कौन से बलून आपको चूज करेंगे? और अच्छा, चलो फोड़ो। चलो भाई निकालो, इसमें क्या है? ढक 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 ढक। 50 रुपए। मुझे लग रहा है रेंज ही नहीं रखा। कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। कौन सा चूज करो, जल्दी करो। ये क्या है? चलो फोड़। हाँ, फूट गया। इसमें ज्यादा इनाम होगा मेरे ख्याल से। 10 रुपए निकलेंगे मुझे मालूम है। पांच भी हो सकता है। भोपू भोपू। ये क्या है? इसमें कुछ भी नहीं था ना। हाँ, तो और क्या? ऐसा भी था और क्या? कुछ बताया नहीं भाई। हाँ था, कुछ बताया गया। इसमें क्या लिखा है बताओ? भोपू भोपू। अरे व्हाट, चलो भाई बस जीरो जीरो कुछ नहीं है। बैठ गया। बिस्मिल्लाह सब पढ़ रही है। दरू सरी बिस्मिल्लाह करके नहीं किया रेहान ने, अक्कड़ बक्कड़ करके करा है। आप इसमें देखते हैं रुपये किस्मत में क्या निकलता है। नमाज में दुआ करके आइए लग रहा है। नहीं, नमाज तो रुपया तुम्हारे निकले हैं 3000 रुपए। चलो ओमामा, ओमामा की तमन्ना पूरी हो गई। चलो उनको पैसे तो मिलने दो। नहीं नहीं, तुम्हें नाम दो, गिन लो एक बजा तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ऐसा नाम तो रोज रखो। तुम्हारा निकलेगा लग रहा है बाबू जी के ठुल्लू। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन रिजा, और लास्ट नंबर तुम्हारा है। और तो सोचना नहीं है। ये क्या है? 20 रुपए। लास्ट टाइम 10, इस टाइम 20। नसीब ही खराब है। ले अपनी सीट ले ले ले। बेटी कह रहा ये तो अजूबा हो गया। उस बार दस इसको। ये लोग ज्यादा सोच लेती है मुझे लग रहा है। बड़ा बड़ा नाम लेगा।
20 रुपए अपना इनाम लो बहन। अब क्या होता एक्स्ट्रा था एक 500 रुपीज। गेम इज ओवर नाउ। एक्स्ट्रा था वो एक सबसे जीती विनर रुकैया। ये सब चीजों से किस्मत को बुरा नहीं कहती। हाँ। लेकिन 20 रुपए तो 20 रुपए इनाम होता है ना। देखो तुमने ग्रोथ किया लास्ट ईयर 10 रुपए। लेकिन दीदी रिजा को मैं रिजा को मिल गए चलो हो गए। मुझे सनी को सरप्राइज देना था वो अभी हम नहीं कर पाए क्योंकि जब वो सो जाएंगे उसके बाद हमें बहुत कुछ करना है सरप्राइज देने के लिए और उसमें मुझे रिजा की हेल्प लगेगी और सनी जागेंगे तो देख लेंगे। वो अभी कॉल पे बात कर रहे हैं अपनी सारी फैमिली से। इंशाल्लाह वो आपको मुझे लगता है जो सरप्राइज होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। बस फ्रेंड्स ईद का दिन जो है वो खत्म हुआ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ईद हमारी अच्छी गुजरेगी। ईद का व्लॉग आपने देखा बहुत खुशी खुशी गुजरा लेकिन उसी दिन के बीच की ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मुझे कुछ तकलीफ हुई मुझे कुछ बुरा लगा जिसके लिए सनी ने काफ़ी चीज़ें आप सबको समझाने की कोशिश भी की कुछ अपनी बातें आप सबसे शेयर करी लेकिन वो यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि नहीं ये सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे सनी जो भी बोल रहे हैं वो सब बातें यहाँ पे नहीं लगाई हैं। बस आप सबको ये दिखाना चाहे कि जितना व्लॉग में दिखता है उसके पीठ पीछे बहुत कुछ होता है और बहुत सारी चीज़ों से इंसान गुजरता है। खुशी होती है तो गम भी होता है तो जिसकी लाइफ में भी जो भी ऐसी परेशानी है वो आप सोचें कि मैं अपने आंसू पोंछ के सब कुछ भुला के हर चीज़ करके फिर से आके व्लॉग बनाती हूँ और बस इसलिए कि बस मैं हंसा सकूँ और सब लोग सिर्फ हैप्पी हैप्पी चीज़ें देख सके। लेकिन ये भी लाइफ का एक पार्ट है और ये भी इस वक्त मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे अंदर से चीज़ें परेशान कर रही हैं। लेकिन बस हम व्लॉग में आपको ये दिखाते हैं ये सोचना चाहते हैं कि सिर्फ अच्छी चीज़ें देखें हंसे लोग हंसे लोगों को सिर्फ हंसाया जाए ना कि ये सारी बातें आके YouTube पे की जाए। तो बस यही था। अभी साल को पिकली क्या स्पेशल किया जाए बताओ क्या करेंगे अगर आप रोई तो समझ नहीं ना। रोती बहुत है। चुप बिल्कुल चुप। जो YouTube की हमारी फैमिली है उसका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग सपोर्ट करते हो। तो आप लोग की बदौलत ही आज हम यहाँ पे हैं और आगे भी सबा के लिए प्लीज़ दुआ करिए अल्लाह ताला उसकी चीज़ें आसान करे। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यही आपसे मेरी दरख्वास्त है। मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलते हैं।